गुड मॉर्निंग मेरे दसवीं के प्यारे बच्चों, हम जैसा कि रिलेशन नंबर फर्स्ट चालू किया था हमने, और उसमें हम गुप्त काल चालू था, और गुप्त काल में भी समुद्रगुप्त की बात कर रहे थे हम। समुद्रगुप्त का जो शासन समय है वो 335 से लगा के 380 ईस्वी है, ये ध्यान रखना। समुद्रगुप्त को विल्सेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है, ये बात हम इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं कि भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त की विजयों विजय जो है, उसकी विक्ट्री जो है, उसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो धरणी बंद, देखिए इंपोर्टेंट है, धरणी बंद और एकीकरण, संपूर्ण धरती को बांधना, संपूर्ण धरती को विजित करना, विजित करने के बाद उसका एकीकरण करना, और एकीकरण के बाद उसको बांधना। बांधना किसमें? तो गुप्त साम्राज्य के अधीन बांधना या गुप्त साम्राज्य के अधीन लाना, उसे उसने कहा है धरणी बंद। और समुद्रगुप्त की जो विजय है, विक्ट्रीज है, उसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक जो है वो हरिसेन है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, प्रयाग प्रशस्ति लिखी संस्कृत भाषा में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए प्रयाग प्रशस्ति कौन सी भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में, और उसकी शैली है चंपू शैली। चंपू शैली का अर्थ होता है गद्य प्लस पद्य, गद्य और पद्य दोनों मिक्स करके लिखे जाए वो चंपू शैली होती है। इसमें कुल 33 पंक्तियां हैं। क्वेश्चन आपके नहीं बनेगा, ये बड़े बड़े एग्जाम में बनता है, फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है ये कि कितनी पंक्तियां हैं, 33 पंक्तियां हैं। पर हमें केवल ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमको केवल ध्यान में रखना है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति में कितनी पंक्तियां हैं, तो 33 पंक्तियां हैं। किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और कौन सी शैली है, तो शैली की बात करें हम तो चंपू शैली, और चंपू शैली किसको कहते हैं, तो गद्य प्लस पद्य बराबर चंपू शैली। समुद्रगुप्त की विजय जो है वो वैसे तो 5-6 भागों में है, पर अपनी पुस्तक जो है दसवीं की जो पुस्तक है उसमें उसको 5 भागों में विभाजित किया हुआ है। अब 5 भाग विभाजित किया है, सभी उल्लेख किसमें लिखा गया है, तो प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है। किसने लिखा है, तो हरिसेन ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है, तो संस्कृत भाषा में लिखा है। किस शैली में लिखा है, तो चंपू शैली में लिखा है। हरिसेन कौन है, तो हरिसेन इसका महत्वपूर्ण दरबारी था जो 3 पदों पर आसीन था। देखिए हरिसेन है समुद्रगुप्त का संधि विग्रह, मतलब ये विदेश मंत्री कह सकते हैं, महादंडनायक, महादंडनायक का अर्थ के मुख्य न्यायाधीश भी कह सकते हैं राजा के बाद, और कुमारा अमात्य के पद पर ये आसीन था हरिसेन। हरिसेन का महत्व इसी से पता चलता है कि ये 3 पदों पर आसीन है। अब समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख करते हैं हम, तो सबसे पहले उसने आर्यावर्त पर आक्रमण किया, और आर्यावर्त की प्रथम विजय थी ये, उसमें 3 राजाओं को उसने हराया है, पर माफ कर दिया है। बस एक इसी विजय का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है, इसीलिए उसको 5 भागों में बांटा है, वरना 6 भाग होते हैं, पर हम भी हमारी टेक्स्ट बुक में 5 भाग है, तो हमको 5 ही ध्यान रखते हैं। यहां से चालू करते हैं, पहली विजय जब आर्यावर्त की हो चुकी, तो उसने दक्षिण में जो राजाओं ने उपद्रव किया, तो दक्षिण में उसने युद्ध सेना लेकर पलायन किया है, और दक्षिण में जो पलायन किया है, तो ये दक्षिणापथ की पहली विजय थी, और इस दक्षिणापथ में उसने 12 राजाओं को हराया। हमको केवल उसकी नीति याद रखनी है, राजाओं की संख्या याद रहे तो रखनी है, नाम याद भी रखना है। 12 राजाओं में बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं कंपटीशन, उसमें याद नाम भी याद रखने पड़ते हैं, पर यहाँ पे नहीं है। और नीति जो पहली है ग्रहण मोक्षानुग्रह, देखिए समुद्रगुप्त को ये पता था कि दक्षिण में जाएंगे इतना दूर जाना संभव नहीं है, और अगर चले गए जीत क्या है, तो वहां पर नियंत्रण रखना संभव नहीं होगा, इसीलिए उसने हर स्थान के लिए अलग अलग नीति डिसाइड की, और अलग अलग नीति डिसाइड करने के कारण ही विल्सेंट स्मिथ इसको क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं, क्योंकि नेपोलियन ने भी हर देश के साथ साथ अलग अलग नीति, हर देश के साथ अलग नीति अप्लाई की थी इस वजह से। अब जैसे ही उसने दक्षिण में विजय प्राप्त की, ग्रहण मोक्षानुग्रह उसकी नीति थी, ग्रहण किया मतलब एक्सेप्ट किया उनको, जीता उनको, और वापस मोक्ष प्रदान कर दिया कि आप छुट्टे हो लेकिन समय समय पर कर दोगे, मेरी आज्ञा को मानोगे, इस प्रकार से एक नीति का पालन किया, ग्रहण मोक्षानुग्रह। जैसे वो दक्षिण से आता है, तो आर्यावर्त की जो राजा है उसमें 9 राजाओं ने मिलकर वापस विद्रोह का झंडा बुलंद किया समुद्रगुप्त के खिलाफ। समुद्रगुप्त ने उन 9 को हराया और उन पर नीति लागू की, प्रसोधरण समूल नाशम, मतलब उनका समूल नाश कर देना, क्योंकि आर्यावर्त वो स्थान है जहां पर समुद्रगुप्त आराम से कंट्रोल कर सकता है, आराम से कंट्रोल कर सकता है, इन राजाओं को रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि उसमें से 3 राजा वो थे
जिनको वो पहले एक बार माफ कर चुका था, एक बार माफ करने के बाद अगर दुश्मन दोबारा सर उठाता है तो उसका सर उठल देना ही समुद्रगुप्त ने उचित समझा और आखिरकार समुद्रगुप्त ने उनका समूल नाश कर दिया। इसके बाद तीसरी विजय जो है वो आत्विक राज्यों की विजय है। आत्विक राज्य कौन से? तो इतिहासकार फ्लिड है, इतिहासकार फ्लिड फ्लिड ये कहते हैं कि गाजीपुर यूपी से लगा के जबलपुर एमपी तक का जो क्षेत्र है, गाजीपुर यूपी से लगा के जबलपुर एमपी तक का जो जंगली क्षेत्र है, जहां पर जंगली जातियां रहती है, वो जो 18 जातियां हैं, 18 राज्य हैं, उनको कहा गया है आठवीं राज्य। और उनको हराने के बाद समुद्रगुप्त नीति लागू की, प्रचारीकृत सर्व आठवीं राज्य, अर्थात सभी आठवीं राज्य आज के बाद किसके परचायक है या किसके नौकर है या किसके सेवक है, तो समुद्रगुप्त के सेवक है, ये नीति यहाँ पर उसने लागू की है। चौथी विजय समुद्रगुप्त की है वो पर्यंत राज्यों की है। पर्यंत राज्य बोले तो सीमावर्ती राज्य, और ये कुल संख्या में 14 है, और 14 में से 9 तो है गणराज्य और 5 है राजतंत्र। 9 गणराज्य है, 5 राज्य है, पर्यंत राज्य है, सीमावर्ती राज्य है, और इनको हराने के बाद समुद्रगुप्त ने नीति लागू की, सर कर दाना आज्ञा करण प्राणागमन, अर्थात ये जो पर्यंत राज्य हैं ये उनको समुद्रगुप्त को सब टैक्स देंगे, कर देंगे, उनकी आज्ञा को मानेंगे और अपने प्राणों की भीख मांगेंगे समुद्रगुप्त से। इसके बाद समुद्रगुप्त ने पांचवी जो विजय प्राप्त करी है वो विदेशी राज्यों या विदेशी शक्तियों के विरुद्ध करी है, और इन विदेशी शक्तियों की संख्या भी 4, कुषाण थे, शक थे, मुरण थे और सिंहल या श्रीलंका, इनके ऊपर विजय प्राप्त करता है समुद्रगुप्त। और इस पर नीति लागू की, आत्मनिवेदन कन्योदान गरुड़ मंदक, अर्थात वे आत्मनिवेदन करें, अपनी रक्षा के लिए निवेदन करें, उसके बाद अपनी कन्याओं का दान दे, समुद्रगुप्त वंश के व्यक्तियों से उनकी कन्याओं का विवाह करें, और गरुड़ जो मुद्रा थी, जो गुप्तों की मुद्रा थी, उस मुद्रा को अपने राज्यों में चलाएं। इस प्रकार से समुद्रगुप्त ने अपने राज्यों का, अपनी विजयों को 5 भागों में, समुद्रगुप्त की विजय थी और उसका संपूर्ण उल्लेख जो है वो हरिशयन करता है प्रयाग प्रशस्ति में संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भाषा चंपू शैली, और किसमें है तो 33 पंक्तियों में उल्लेख है। इसके बाद का जो अध्ययन है हम नेक्स्ट वीडियो में।